देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम रिपोर्टर से जानते हैं उनके विधानसभा के हालात, कैसे हालात है, क्या कुछ चुनावी माहौल है, जनता कितनी खुश है, इन 5 सालों में क्या बीजेपी के कामों से जनता खुशहाल है या फिर इस बार कुछ और तैयारी जनता ने कर ली है, ये हम जानेंगे। तो अगले आधे घंटे आप मेरे साथ बने रहिए। कानपुर देहात से जितेंद्र मेरे साथ जुड़ेंगे, संत कबीर नगर से शशांक यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं विधानसभाओं की, कि कैसे हालात हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें तो खूबसूरत नजर आ रही है, सड़कें भी दुरुस्त हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, युवाओं के मन में क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, योजनाओं का लाभ क्या लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस बार क्या मन बना रखा है जनता ने, ये भी हम जानेंगे सीधा रिपोर्टर से। तो कुछ ही देर में रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीरें सही हैं, बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन जनता क्या खुश है। दूसरी जगह तस्वीरें बेहद खराब हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। देखिए, एक तस्वीरें आपने देखी जहां पर सड़कें दुरुस्त थी, बहुत अच्छी, ये शहर की तस्वीर, लेकिन जब आप ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें देखते हैं तो वहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आते हैं। नालियां पूरी तरह से गंदगी से भरी हुई हैं, ना तो उनकी सफाई होती है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां लोगों तक पहुंच रही है। देखिए, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में कोरोना के बहुत ज्यादा मामले सामने आए थे, उसके बाद डेंगू के बहुत ज्यादा मामले सामने आए थे। रेसमी बुखार पिछले दिनों कानपुर देहात में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम ज़रूर बात करेंगे। संत कबीर नगर की हम बात करें तो यहाँ पर क्या जनाधार है, आम जनता ने क्या सोचा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपने देखी, कानपुर देहात की अगर हम तस्वीरें देखें तो कानपुर देहात की तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कानपुर में सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि कानपुर का जो क्राइम का ग्राफ है वो अव्वल नंबर पर आता है। तो दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर देहात से जितेंद्र, संत कबीर नगर से शशांक यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कानपुर देहात से जितेंद्र का मैं रुख करूंगी। जितेंद्र, कानपुर में सिर्फ क्राइम का ग्राफ हाई है या जनता का मूड भी हाई है? जितेंद्र अनम्यूट कर लीजिए, मेरी आवाज सभी आप तक पहुंच पाएगी। चलिए ठीक है, जितेंद्र से संपर्क करने में कुछ समस्या आ रही है। संत कबीर नगर से शशांक यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शशांक का मैं रुक करूंगी। शशांक, संत कबीर नगर में चुनावी माहौल कैसा है, पहले ये बताइए। तो कुछ समस्या आ रही है सहयोगियों से जुड़ने में, लेकिन हम कोशिश पुरजोर करेंगे कि हम उन तक पहुंच पाएं और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल कैसा है, क्या कुछ चल रहा है। तो कानपुर देहात और संत कबीर नगर का माहौल हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव बेहद नजदीक है, बहुत ही कम समय बचा है, अब तो गिनती के दिन रह गए हैं। तो ऐसे में हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर चौराहों पर, हर चाय की दुकान पर आपको चुनावी चर्चा देखने के लिए मिल जाएगी। आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रचार प्रसार कम नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो प्रचार है वो पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। लेकिन 5 सालों का जो काम बीजेपी ने किया है वो गिनाने की कोशिश, वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश भरपूर हो रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कहते हैं और कहते हैं कि अब बदलाव की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार महिलाओं पर पूरा दाव खेलने की कोशिश कर रही है। महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ें, उन महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है जो महिलाएं या तो पीड़ित हैं या उनके परिवार में कोई पीड़ित है, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके उन्हें टिकट देने की कोशिश की जा रही है।
तो रिपोर्टर से जानने की कोशिश हम करेंगे। देहात और संतकबीर नगर से शशांक यादव जितेंद्र का हम रुख करेंगे एक बार फिर से अपने सहयोगियों तक हम कोशिश करेंगे पहुंचने की। कानपुर देहात से जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं, संतकबीर नगर से शशांक मेरे साथ जुड़े हैं। शशांक, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं। ठीक है शशांक, संतकबीर नगर में चुनावी माहौल कैसा है? जी, संतकबीर नगर में अभी तक जिन दो पार्टियों की टक्कर मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी आफताब आलम गुड्डू, जो कि गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा के रहने वाले हैं, उनको अपना प्रत्याशी खलीलाबाद से घोषित किया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें शशांक तो संतकबीर नगर में सबसे बड़ी समस्या क्या है आम जनता के लिए? जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोडवेज बस स्टेशन नहीं है, यहाँ की सड़कें खस्ता हाल है, यहाँ की अंडरपास की मांग है जनता द्वारा, रेलवे अंडरपास की मुझे यहाँ की मांग है, क्योंकि उससे व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। ये सब प्रमुख मुद्दे हैं। और यहाँ की चीनी मिल जो है बहुत दिनों से बंद पड़ी है। 5 सालों में पूर्णता विकास हुआ है शशांक? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, धरा पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ हवाई वादे हुए हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। जी, ये यहाँ की जनता का कहना है। जनता का ये कहना है, तो जनता के मन में क्या है, क्योंकि अब तो समय बेहद कम बचा है। जी, जनता ऐसे जनप्रतिनिधि की तरफ देख रही है जो उनकी बातों को सुने, उनके बीच रहे, उनके लिए जनहित का काम कर सके। तो जनता ऐसा प्रत्याशी ढूंढ रही है कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारे सारे मतलब जो समाधान है, मतलब की जो भी समस्या उनका समाधान कर सके, ऐसी जनप्रतिनिधि की खोज में है। शशांक, जो अभी विधायक हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाती है? क्या वो जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं? जी, 2017 के चुनाव में, क्योंकि संतकबीर नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं, खलीलाबाद, मेहदावल और धनघटा, इन तीनों सीटों पे भाजपा के प्रत्याशी ने अपना परचम लहराया था। खलीलाबाद से जय चौबे, दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे, धनघटा से इस समय राज्य मंत्री है श्री राम चौहान, और मेहदावल से है राकेश सिंह बघेल। ये तीनों विधायक जो है भाजपा के थे। और धनघटा की बात करें तो आज श्री राम चौहान जो मंत्री हैं इस समय भाजपा सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके जो है काम बिल्कुल जीरो है, धरातल पे जो है उनका काम बिल्कुल जीरो है। यहाँ का जो राम जानकी मार्ग है, जो बहुत ही ऐतिहासिक मार्ग है, कहा जाता कि भगवान राम की बारात तो उसी रास्ते नेपाल गई थी। क्या चुनावी माहौल भी गर्म है? जितेंद्र, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, बोलिए जितेंद्र। क्या आप मुझे सुन तक? जी जी जी, आवाज आ रही है। आप मुझे सुन? अच्छा, ये कहें कि कानपुर की अगर बात हिसाब से सुर्खियों में रहने वाला कानपुर इस समय चुनावी जो मौसम है वो सुर्खियों लगातार बटोर रहा है, और चुनावी मौसम में जिस तरह से कैंडिडेट हैं अपने नामांकन की प्रक्रिया, दरअसल तीसरे फेज में कानपुर में देहात में यहाँ चुनाव है और उसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया 25 तारीख से 1 तारीख तक यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल अगर बात करें चुनाव की, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला ये चुनाव है, क्योंकि पिछली बार चारों विधानसभाओं में जनपद कानपुर देहात की बीजेपी का परचम था, वहीं इस बार फिलहाल 2 लोगों का टिकट यहां से बीजेपी ने काट दिया है, और
दो वर्तमान लोगों को टिकट यहाँ से दिया है, जिसके चलते इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, अगर जितेंद्र बात करें कानपुर की, तो कानपुर में ब्राह्मण क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि एक जात वर्ग की अगर बात करें तो सभी लोगों के मन में है, जो पिछले 5 साल में सरकार के द्वारा किए गए काज से लोग नाखुश दिखे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया लगातार इसी में आ रही है कि वो जो कामकाज है उनको नहीं, विकास की बात करें चाहे अन्य मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार देखने को मिले हैं, लोग अपनी आवाज भी उठाते हुए मिले हैं। तो इस तरह से लगातार जातिगत अगर बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन ही वो लोग करते देख रहे हैं, और उनका इस बार दूसरी पार्टी में जाने का भी जो उनका मतदान है। बिल्कुल, जितेंद्र देखिए, कानपुर देहात हो या कानपुर हो, 2020 में जो कुछ भी हुआ था वो जब जाहिर है, पूरे देश को पता है। तो ऐसे में जब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कानपुर या कानपुर देहात के जो ब्राह्मण है वो बेहद नाराज है बीजेपी सरकार से, क्या वो नाराजगी दिखाई देती है? जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लगातार फील्ड पर बने रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में वो क्या करने वाले हैं, युवा क्या सोचता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो नाराजगी है, साफ तौर पर बात करें, बीजेपी सरकार के लोग कहते हैं कि उनका कार्यकाल जो है 2 साल कोरोना काल में बीत गया, वो विकास कार्य जो जिस तरह से करने चाहिए वो विकास कार्य कर नहीं पाए। फिलहाल सरकार के जो कामकाज के चलते जो प्रक्रियाएं हैं वो 5 साल की प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, जनता का जो समर्थन है अब शायद सत्ता पक्ष के साथ नहीं देखने को मिल रहा है। आचार संहिता के ही लोगों के मत आने लगे थे, अपने विचार लोग प्रकट कर रहे थे, विरोध करना है तो विरोध के स्वर में अपने विचार कर रहे थे, पर्सन थे जो लोग, वो लोग अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मुद्दे जो है, जमीन धरातल की बात करें तो मुद्दे बेहद खास रहे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गौवंश संरक्षण की बात हो, लगातार किसान परेशान थे। 3 कृषि कानून पहले लगाए गए यानी थोपे गए, उसके बाद में उन कानूनों को वापसी किया गया, तो ये मुद्दे काफी दिलचस्प रहे हैं और फिलहाल जनता का विरोध इसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, इसके अलावा अगर हम जानने की कोशिश करें तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर देहात में कोरोना काल में काफी ज्यादा मामले सामने आए थे, उसके बाद डेंगू काफी ज्यादा फैला था कानपुर देहात में। इसके अलावा जो एक रेशमी बुखार था वो भी हमने पिछले काफ़ी महीने पहले देखा है कि कितना बुरा हाल हो गया था, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा लचर सामने आई थी। तो क्या ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है इन चुनावों में कानपुर की जनता की तरफ से? देखिए, कानपुर की बात करें, पूरे जोन में स्थिति बेहद भयावह थी। जो एक दौर था कोरोना संक्रमण काल का, लोग परेशान थे, अपनों के इलाज के लिए, लोग खुद के व्यवस्थाओं के लिए परेशान थे, लोगों को दवाई नहीं मिली, लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये बड़ी समस्याएं लोग दो चार होते रहे और सरकार को कोसने का काम करते रहे। सरकार बेशक ही दम पड़ती रही हो कि उनके द्वारा जो जन सुविधाएं को मुहैया कराई जा रही है वो काफी है और लोगों को सहूलियत मिल रही है, तो ये चीजें लगातार धरातल पर नहीं देखी जा रही। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार चरमराई हुई थी। जिला अस्पताल हो या ट्रॉमा सेंटर हो या CSC PSC, तमाम वो हॉस्पिटल केवल सफेद हाथी बन के रह गए थे, क्योंकि वहाँ केवल ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं थी, केवल रिफर सेंटर का काम ये लोग करते थे, और इलाज की बात करें तो इलाज तो कोसों दूर था। कम से कम इतनी बात तो धरातल पे कभी नहीं देखने को मिली जितना बीजेपी सरकार लगातार अपने बयानों में कहती नजर आ रही है। ये चुनावी मुद्दा कानपुर की जनता के लिए बिल्कुल हो सकता है। चलिए शशांक का हम रुख करेंगे। शशांक, अगर संत कबीर नगर की मैं बात करूं तो यहाँ की जनता क्या कहती है, यहाँ का जातीय समीकरण क्या है और यहाँ का किसान कितना खुश है? जी, संत कबीर नगर में जनता में भारी आक्रोश है, जनता यहाँ नाराज है, क्योंकि यहाँ के देखिए, क्योंकि यहाँ का मतलब किसान बाहुल क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ की चीनी मिल बहुत दिनों से बंद पड़ी है। जनता की मांग थी कि यहाँ चीनी मिल अगर चालू हो जाती है तो यहाँ किसानों को रोजगार मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर बस स्टेशन अगर खुल जाता है तो यहाँ पे भी मतलब रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि रोजगार घूमने उनके लिए, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो या चाय की दुकान वाला हो, उनको एक रोजगार का स्रोत मिल जाता। तो जनता में भारी आक्रोश है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जीरो मीन्स जीरो विकास हुआ है, चाहे वो रोड हो। शशांक, यानी ये कहूं कि संत कबीरनगर से भाजपा का सफाया होगा इस बार, क्या ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? जी, जनता
में जो आक्रोश है उस हिसाब से तो मतलब लग रहा है कि हाँ यहाँ सफाया हो जाएगा। अगर तीन विधानसभा सीटें हैं यहाँ से जो तीनों जीती थी बीजेपी पिछले 2017 के चुनाव में, और इस बार बीजेपी एक सीट बीजेपी की मीन्स हो सकता है यहाँ से निकल जाए, तो बीजेपी के लिए यहाँ भारी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि जनता समझदार है, जो बीजेपी ने वादा किया था उसको उसने पूरा नहीं किया, जो यहाँ के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, धरातल पे काम जीरो हुआ है, इसलिए जनता में भारी आक्रोश है और जनता इनको जवाब देने वाली है। संत कबीर नगर में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं शशांक जी? महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भारी अत्याचार हुआ है, अभी देखिए क्या नाम है, यहाँ पे एक दलित महिला थी उसको मतलब मार दिया गया, तो जब वो जाती है तो उसके ऊपर मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, उसकी जो मतलब आरोपी थे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसलिए मैं भी घूमता रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि महिलाओं में भारी आक्रोश है, क्योंकि उनके साथ भी जैसे महिलाएं क्या कांग्रेस का रुख कर रही है, क्योंकि कांग्रेस तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारे के साथ आगे बढ़ रही है? नहीं नहीं कांग्रेस का यहाँ कोई वो नहीं है, ठीक है, कांग्रेस यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सिर्फ सपा और भाजपा में लड़ाई है, यानी सीधी टक्कर सपा और भाजपा में है जी। जी बसपा भी कहीं नहीं ठहरती शशांक जी? बसपा की बात करें तो बसपा तो लड़ाई से बिल्कुल ही खत्म है, बसपा का यहाँ कोई वो नहीं है और सीधी लड़ाई यहाँ सपा और भाजपा में है, सपा और भाजपा में सीधी लड़ाई। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, युवा क्या कहता है यहाँ का, युवाओं को रोजगार मिला है? नहीं 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 देखिए धरातल पर कोई काम नहीं है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा की तमाम स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज जनता की मांग थी मेडिकल कॉलेज बने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ जीरो है, तो यहाँ के लोग इसीलिए तो बाहर जाते हैं, अगर उनके पास शिक्षा अच्छी होती तो यहीं पे कुछ ना कुछ कर लेते हैं, चाहे वो मतलब सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब शिक्षा के नाम पे जीरो है। शशांक ODOP के तहत क्या कुछ यहाँ पर हुआ है या वो भी ठंडे बस्ते में है सब? नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है, इसलिए जनता नाराज है और सब ठंडे बस्ते में। मतलब 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, एक काम नहीं किया गया यहाँ पर सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं है, ठीक है, यहाँ के नेताओं ने मतलब जनता इसीलिए नाराज है, क्योंकि मैं खुद ही अभी मतलब हम लोग क्षेत्र में थे अभी मतलब लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने खुद ही बताया कि उनका मतलब जो बयान है कि वो सीधे मतलब नाराज है, और यहाँ जनता मतलब बेसब्री से 10 मार्च का इंतजार कर रही है, क्योंकि यहाँ 3 मार्च को वोटिंग होनी है, तो 3 मार्च को 10 मार्च का इंतजार करेगी। यूपी के कई जिलों में और जिलों के कई गाँव में हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने जब बीजेपी नेता वहाँ पहुँचते हैं तो उनका विरोध करते हैं, कुछ ने तो बोर्ड लगा दिया है कि बीजेपी नेताओं की यहाँ एंट्री नहीं है। संत कबीर नगर के गांव में भी क्या ऐसी कुछ तस्वीर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है तो नाराजगी बहुत ज्यादा होगी? जी देखिए हमारे यहां धनघटा विधानसभा है जहां से इस समय राज्य मंत्री हैं श्री राम चौहान जो बीजेपी के मंत्री हैं, तो उनसे मतलब जनता खासी नाराज है, क्योंकि वो मंत्री थे और उनसे जो मांगे थी, क्योंकि मंत्री थे तो इसलिए उनके पास अधिक पावर थी, वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता के लिए जीरो काम किया, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता नाराज है। और खलीला सदर से विधायक थे, वो भाजपा से विधायक थे, वो सपा में हो गए हैं, क्योंकि उनको वहां से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको निकाल गया था, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने सपा की उम्मीदवार की मदद की थी, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया और वो इस समय सपा में आ गए हैं। चलिए ठीक है शशांक, उन्होंने भी जितेंद्र का मैं रुख करूंगी, बहुत देर से जितेंद्र भी इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र देखिए शशांक ने भी बताया कि संत कबीर नगर में सीधे बीजेपी और SP की टक्कर है, कानपुर देहात में कौन बाजी मारने वाला है, कांटे की टक्कर किसके बीच? देखिए बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, कानपुर देहात की बात करें तो लगातार जो स्थितियां हैं बीजेपी के फेवर में थी, पूरे 5 साल फुल फ्रेश में सरकार थी, कोई मतलब वो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी यानी दो ही पार्टियों में ये लड़ाई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो एक जनाधार था बीजेपी का वो लगातार घिरा हुआ दिखा है, और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से पिछले 2017 के चुनाव में कहीं कम आंकड़े में आई थी, वो इस बार जनाधार उनका बढ़ता हुआ लगातार देखा जा रहा है। बीजेपी को भारी नुकसान इन सीटों पर पड़ने वाला। हाँ जो लोग एक्टिव रहे हैं फील्ड पर, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों या सरकार की तरफ से उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर पाए हैं, तो शायद जनता इस कामों को लेकर उनको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन
विपक्ष की बात करें तो प्रमुख विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी ही मैदान पे दिखी है। संगठन की बात हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन की बात हो, जन सरोकार के मुद्दे हो, लगातार समाजवादी पार्टी इनको विपक्ष में रहकर उठाती रही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। ठीक है जितेंद्र, लड़ाई बहुत दिलचस्प है तो ये समझ में आता है। अलग अलग विधानसभाओं से जब हम बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी और एसपी में ही होने वाली है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विधानसभाओं में कैसे हालात है, कितना विकास हुआ है, विधायक जी लोगों तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, जनता के मन में क्या है, ये बताने के लिए तो कानपुर देहात और संत कबीर नगर की मैं बात करूं तो दोनों ही जगह कांटे की टक्कर बीजेपी और एसपी में देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर गद्दी पर कौन बैठेगा। कल फिर लौटेंगे अलग अलग विधानसभाओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।